एक मिनट बात तो सुनो, एक आखिरी बार मनीषा से मिला दो बस, फिर परेशान नहीं। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना। उस दिन तेरी बारी थी, आज मेरी बारी, इसलिए अपना मुंह बंद रख, अपना गिफ्ट ले और चुपचाप निकल ले, चल जा। मुझे कुछ नहीं सुनना, रखो यहाँ से, दफा हो जा। क्या देख रहा है तो, जिसके लिए पागल है ना, उसने तेरा गिफ्ट खोल के भी नहीं देखा, अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया तुझे, मर नहीं चला था उसके लिए। मेरी बेटा के 6-7 बच्चे नहीं है, ये एक चला जाए तो दूसरे के सारे जी लेगी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में माथा टेका तुझे पाने के लिए, उसने ऐसा क्या मांगा तुझसे? तेरी शादी तो करवाना चाहती है, शादी करके इतनी सी खुशी नहीं दे सकता तू उसे? देख भांजे, तेरा यही रवैया रहा ना तो मेरी प्यारी बहना तेरी वजह से ऊपर चली जाएगी। तो तुम ही बताओ क्या करूं। राम जी खुश रखे। बी कॉन्फिडेंट, बरसों से इसी पल का इंतजार था। बधाई हो सनाज, आपको भी। ये लीजिए, ये लीजिए सर, देखिएगा। शादी बहुत धूमधाम से करेंगे हम। आज तेरे को लदनी की मूवी दिखाता हूँ, तू भी याद रखेगा। ए, जल्दी आना। बस अभी गया, अभी आया। अच्छा सुन, तू चाय? क्या हम पहले मिल चुके हैं? लगता है आप मुझे भूल गए, वो हीरोइन बस डिपो, कुछ याद आया आपको? अरे तू, पहले देसी मुर्गा था, अभी मुर्गा कैसे बन गया भाई? ये चमत्कार हुआ कैसे? वो कहते हैं ना, प्यार का वार सबको बेकार कर देता है। अच्छा, असरदार प्यार है। साथ में आइए, वो पिक्चर का टिकट निकल रही है। तू लाइन में क्यों नहीं गया? ऊपर वाले ने गर्लफ्रेंड दी है, कुछ तो यूज होना चाहिए ना। अरे ये तो वही बस स्टॉप वाली मनीषा की दोस्त। हाय। अबे जाना था जापान, पहुंच गए चीन, कैसे लिया ऐसे चीन? याद है आपने मेरा ग्रीटिंग जला दिया था? हाँ याद है, पर उससे हुआ क्या? उस ग्रीटिंग की आग तो बुझ गई, लेकिन बुझते बुझते इसके दिल में प्यार की मोमबत्ती जला गई। बस कर, शर्माते शर्माते धागे ढीले कर देगा, ये काम अंदर अंधेरे में करना। भाई साहब, आप तो अकेले आए हो, तो फिर मनीषा कहाँ है? अबे क्यों मजाक कर रहा है मेरे साथ? मजाक मैं नहीं, तुम कर रहे हो। मनीषा भी तो तुमसे उतना ही प्यार करती है, यकीन नहीं है तो इससे पूछ लो। शटर बंद करोगे? ए, सच्ची तो कह रहा हूँ। क्या छुपा रही हूँ मुझसे? बात क्या है मुझे बताओ। कोई बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं है? तुम मनीषा को तो नहीं बताओगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कसम से। याद है तुम उस दिन ट्रक के आगे कूदे थे? जानते हो उसके बाद क्या हुआ था? ए, क्या मनीषा, कहीं उस देवदास ने तेरा दिल तो नहीं चुरा लिया? पता नहीं यार, पर लग तो ऐसा ही रहा है। सच कह रही है क्या? जिस दिन उसने मुझे प्रपोज किया था उसी दिन दिल आ गया था। बस डर था कि कहीं टाइम पास ना कर रहा हो, पर उसके भोलेपन ने मेरा दिल जीत लिया है। ही इज रियली नाइस। फिर इतना ड्रामा क्यों किया? उसी वक्त बोल देना था ना। अभी तो बस प्यार की शुरुआत हुई है, और इस प्यार के लिए उसे और पापड़ बेलने पड़ेंगे। आगे आगे देखो होता है क्या। और उस दिन तुम्हारे ही स्टाइल में तुम्हें गिफ्ट वापस करना। कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना। मैंने कहा ना, कुछ नहीं सुनना। उस दिन तेरी बारी थी, आज मेरी बारी, इसलिए अपना मुंह बंद रख। मैंने कहा ना, चुप कर। पर वो जो ये ले, अपना गिफ्ट ले और चुपचाप निकल ले, चल जा। अरे लेकिन कहा ना, चुप कर, चल निकल। तुमने अब तक नहीं देखा उस गिफ्ट में क्या है? क्या? कहीं तुमने उस गिफ्ट को फेंक तो नहीं दिया? गिफ्ट? व्हाट ब्रदर, तुम शिनू को क्विक लेकर आओ, गॉट इट ना? तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। क्या गोची कर रहे हो? कुछ नहीं भांजे, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। मामा श्री, ए, क्या हुआ? हेलो, टॉयलेट जाना है? अरे सीनो, अरे लुक लुक, अरे मेरी देह में दबनी भी नहीं बती। ए कचरपट्टी कलमोही, मेरे साथ डोंट टॉक टू मच। तो क्या कर लेगी? हाँ, बेशरम लोग, आदमी लेटर भेजता है और बीवी साहूकारी करती है। उन्होंने मुझे आज तक लेटर राइट नहीं किया, तुझे क्या सेंड करेंगे? बकवास मत कर ज्यादा, खुद को मिस इंडिया समझती है क्या? भीख मांगने के लिए फेंकी है? हाय हाय, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे मामा कहाँ पे? मामा कहाँ पे? नाउ कंटिन्यू। अरे तो ये गिफ्ट कवर क्या मेरी मरी सास लेकर आई थी? बड़ी शरीफ बन रही है, आदमी इधर उधर मुंह मारता है और तू यहाँ खड़ी उसकी।
में लिखा है। बेचारी मुझसे मिलना चाहती थी पर मैं ही उसका इशारा समझ नहीं पाया। अभी फोन करके देखता हूँ। हाय। अरे अगर मुझसे प्यार करती थी तो सीधा सीधा क्यों नहीं कहा? क्यों? फ्लर्ट करना सिर्फ लड़कों का आता है, लड़कियां फ्लर्ट नहीं कर सकती। जैसे तुमने मुझे प्रपोज किया वैसे मैंने कर दिया। गिफ्ट देखा तुमने? शिनू। हाँ। I love you. हेलो हेलो। हाँ सॉरी कट हो गया था। पर मैंने तो अभी कॉल किया। कौन बोल रहा? अरे मैं कोमल बोल रही हूँ। हाँ बोलो क्या हुआ? सॉरी सगाई वाले दिन ठीक से बात नहीं हो पाई। मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि मैं बहुत लकी हूँ। सब फ्रेंड्स ट्रीट मांग रहे हैं। इस सैटरडे हम मिल सकते हैं क्या? एक सेकंड जरा होल्ड करना। हाँ बोलो मनीषा। क्या हुआ? मेरे आई लव यू कहते ही तुम चुप क्यों हो गए? चुप क्यों हो गया? वो नेटवर्क प्रॉब्लम। तो आप बोल दो ना। क्या बोलना है? वही जो मैंने कहा। आई लव यू। मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? इतना भी नहीं समझते बुद्धू? नहीं समझा। किस तो ना? फोन पे? हाँ। मनीषा एक सेकंड होल्ड करना। कॉन्फ्रेंस लग गया। हेलो 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 इस रूम की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया फोन को काट दे और तीन चार साल तक बिल्कुल फोन ना करें। हेलो 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 फोन काटो फोन काटो फोन काटो फोन काटो फोन काटो फोन काटो फोन काटो। हेलो हेलो कौन फंस गया? हेलो जी हेलो तुम लाइन पर हो? हेलो हेलो नहीं हो सकता, इम्पोसिबल, ऐसा शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। हाँ निकल निकल, भांजे की शादी करवाना चुटकी बजाने का काम है, याद रखना। मैं शीशे से पत्थर को तोड़ सकता हूँ, नो मेंशन नॉट। फोन रख। मैं कर रू कमाल, सीधी कर दू सब्जी। हाँ बेटा, स्लोली स्लोली स्लोली। अच्छा बहन जी चलती। अच्छा लगा आप लोग आए तो। हाँ। हमेशा ऐसे ही कमिंग। हाँ? नमस्कार। मॉर्निंग हाँ। से कहाँ लॉस्ट हो गए थे? अंदर से वरी हो रही थी ना। चलो खाना खा लो। अरे बस थोड़ा टहलने गया था। ये विलेज नहीं टाउन है, आवारा सांड की तरह मत घूमो। कैरेट का हलवा बनाए आके ठूस लो। आया मेरी प्यारी बहना, बनाए गाजर का हलवा, आऊं मैं दौड़ा दौड़ा खाने के लिए हलवा। ये गिफ्ट तो मैंने पड़ोसी के घर में फेंक दी थी, यहाँ कैसे आ गई? हाथ में घड़ी भी टोसी की है। ऐसा क्यों किया मामा? मेरी घड़ी पुरानी हो गई थी ना भांजे, इसलिए मैंने नई वाली ली। मना किया था ना जाल मत बिछाओ। जो हुआ सो हुआ, अब जाने देना भांजे। कहा था बुरे फंसोगे। भांजे मैं तेरा मामा हूँ ना। तुम कंस मामा हो और मैं तुम्हारा वध करने वाला हूँ। खुद तो गधा है, ये मेरे बेटे को भी गधा बना दिया इस गधे ने। अच्छा खासा मेरी लाइन क्लियर होने वाली थी, मुझे सगाई के चक्कर में फंसाया तुमने। टकला मत छुपाओ, आज तुम्हारा टकला फोड़ के रहूंगा। अरे कोई इस तरह मारता अपने मामा को भला? मेरी टांग टूट सकती थी, इस चांद पे दाग पड़ सकता था। इस चांद को पहले ग्रहण लग चुका है, किसने बोला था मेरी लव लाइफ में टांग लाने को? किसने सोचा था इस निखट्टू लड़के से कोई लड़की प्यार कर सकती है? मतलब सपने में भी नहीं सोचा। निखट्टू नल्ले तुम हो क्या? क्या क्या? अब तुमने मुझे उंगली की मामा, इसलिए गुस्से में मुंह से निकल गया। अरे अब ये रोना धोना क्यों कर रहे हो? काम तो मेरा खराब किया है तुमने। तुच्छे से प्यार के लिए अपने मामा की बेइज्जती करता है। क्या बोला? तुच्छा सा प्यार तेरे तो? अरे मेरी ढाल कहाँ है? छोड़ दूंगा। लड़की का प्यार मिलना अमेरिका का वीजा मिलने से भी ज्यादा मुश्किल है, और तुम मेरे इंटरनेशनल प्यार को तुच्छा बोल रहे हो। भांजे छोड़ दे। बात में दम है।
पता है, शादी के वक्त 4 से 5 हजार लोग आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, लेकिन डिवोर्स लेने के लिए 4 से 5 लोगों में काम चल जाता है। जरा सोच, तेरे प्यार को जानने वाले कितने लोग हैं? 4 या 5। वैसे सोच घटिया है, पर मेरे काम आ सकती है। करवाऊंगा मैं, तोड़वाऊंगा भी मैं। कैसे? फोन के ऊपर? शादी के दिन। मामा कुछ ऐसा करो कि बस मेरी ये सगाई ही ना हो। सगाई तोड़वाना इतना आसान नहीं है, इसमें 2 परिवार शामिल होते हैं। तू अपना प्यार कंटिन्यू रख, मैं मामला बिगाड़ने के लिए गोटियां फेंकता हूं। ना कोई गवाह होगा और ना कोई सबूत। नेताओं की तरह खोखले दावे दे रहे हो या वाकई कोई कड़क प्लान है? बस प्यार के पेच लड़ा। पक्का? हाँ। हाय जानू, फोन कट गया था। फोन में बैलेंस नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, हमेशा मैं ही कॉल करती हूँ। सॉरी। अच्छा आज मिले? हाँ मिलते ना, रेस्टोरेंट में मिले 5:30 बजे। ओके मैं पहुंच जाऊंगा। अरे जाना मामा, या तो पीछे भागेगा या दूर भगाएगा। हाय, मेरी फ्रेंड से मिलो। हाँ। गायत्री, सुमन, कृतिका। हाय, हम चारों बचपन से ही एक साथ हैं। मेरे भी 3 दोस्त हैं, अगर रोज नहाते होते तो तुमसे मिला देता। वो समझदार लोग हैं, 2 लवर्स के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते। क्या कह रहे हो? अकेले मिलना था, पूरी बारात ले आई। अच्छा तुम अपने बॉयफ्रेंड को साथ नहीं लाई? क्यों? छोड़ दिया उसको। छोड़ दिया? वो 1 नंबर का कंजूस और मक्कार आदमी था, कहीं घुमाने भी नहीं ले जाता था। कुछ तो उसूल होने चाहिए। उसूल मतलब? इसकी हर बात माननी पड़ेगी, जब जहाँ बुलाए वहाँ आना पड़ेगा। हमेशा इसकी तुम बन के रहना होगा। और हमारे सामने आँख तक ना उठाए। वैसे मोहतरमा उसे बॉयफ्रेंड नहीं कुत्ता बोलते हैं। दीदी। हाय दीदी। हाय। मैं इसके घर में और कौन कौन है? सिर्फ बहन ही है इसकी, माँ बाप तो इसके बचपन में ही गुजर गए। स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ हॉस्टल में रह के किया। दिल की बहुत अच्छी है, पर गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है। संभल के रहना। ओके दीदी, फ्रेंड्स के साथ बाद में कॉल करती हूँ। रुक तो सही, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। जो पैसे भेजे थे मिले क्या? अभी तक चेक नहीं किया दीदी। अच्छा जरा 1 मिनट रुक तो। ए, मैं तुझसे कब से पूछ रही हूँ, तू कोई जवाब ही नहीं दे रही है। क्या पूछा आपने? वो जो कार्तिक है ना, तुझे पसंद करता है। हाँ? अगर तू हाँ कर दे तो अगले साल तुम्हारी शादी हो जाएगी। तेरा क्या कहना है? नहीं दीदी, मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। ए, ये क्या कह रही है, कौन है वो? दीदी रात को बात करते हैं, बाय। अच्छा ठीक है, चल बाय।